बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। पीवी संधू ने एक बार फिर बढ़ाया देश का गौरव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सिंगापुर ना भेजने का लगाया आरोप। एक ही दिन में दो फ्लाइट की लैंडिंग हुई डाइवर्ट, तो वहीं श्रीलंका में हालत बद से बदतर, भारत कर रहा है मदद। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। मुख्तार अब्बास नकवी दरकिनार जगदीप धनखड़ बने उपराष्ट्रपति पद के दावेदार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के बाद अब इस फैसले ने राजनीतिक विश्लेषकों के साथ नेताओं को चौंका दिया है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद पर जिनकी चर्चा भी नहीं थी, भाजपा ने उन धनखड़ को प्रत्याशी बनाया है। 16 जुलाई की शाम को दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जहां जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगाई गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ के साथ ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, जगदीप धनखड़ को संविधान का अच्छा ज्ञान है और उन्हें विधायी कामकाज की अच्छी खासी जानकारी भी है। वे राज्यसभा के शानदार सभापति साबित होंगे। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने जीता एक और खिताब। सिंगापुर ओपन में कड़े संघर्ष के बाद हासिल की जीत। सिंधु का इस साल यह तीसरा खिताब है। सिंगापुर ओपन फाइनल में सिंधु ने शानदार प्रदर्शन किया। रविवार को सिंगल्स मुकाबले में चीन की वांग जी ई को 21-9, 11-21, 21-15 के फासले से हरा दिया। एक ही दिन में दो फ्लाइट को किया गया डाइवर्ट। दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट को मस्कट में उतारा गया, तो वहीं शारजहां से आ रही इंडिगो फ्लाइट की कराची में हुई लैंडिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान में कुछ जलने जैसी गंध महसूस होने पर उसे मस्कट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। इससे पहले इंडिगो की शारजहां हैदराबाद फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते पाकिस्तान के कराची में लैंड कराया गया। पैसेंजर्स को कराची से वापस लाने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, पिछले दो हफ्ते में कराची में भारतीय एयरलाइन की ये दूसरी लैंडिंग है। इससे पहले स्पाइस जेट के प्लेन को भी तकनीकी खराबी की वजह से कराची इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा था। ट्रोलर्स को ललित मोदी ने दिया करारा जवाब। बोले, मीडिया मुझे ट्रोल करने के लिए इतना जुनूनी क्यों है? मुझे चार गलत तरीकों से टैग किया जा रहा है। लगता है हम अभी भी मेडिएवल एज में जी रहे हैं कि दो लोग दोस्त नहीं हो सकते। आगे उन्होंने लिखा, जियो और जीने दो। दरअसल 14 जुलाई को ललित मोदी ने ट्विटर के जरिए बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन के साथ अपने रिलेशन की जानकारी साझा की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और कुछ लोग इस कपल को ट्रॉल करने लग गए। इससे पहले सुष्मिता सेन भी ट्रॉलर्स को जवाब दे चुकी हैं। कोरोना वैक्सीन डोज का आंकड़ा हुआ 200 करोड़ के पार। 546 दिनों में हासिल की गई ये उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जाहिर की खुशी और सभी को दी बधाई। आपको बता दें, 100 करोड़ टीके के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 277 दिनों का समय लगा था, जो कि 21 अक्टूबर 2021 को पूरा हुआ था। यहां पर एक चिंताजनक बात भी है, वो ये है कि बूस्टर डोज को लेकर लोग उतने सीरियस नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सिंगापुर जाने की अनुमति ना देने का लगाया आरोप। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा कि सिंगापुर जाने का न्योता देश के लिए गौरव की बात है। किसी सीएम को इतने बड़े मंच पर जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है। जल्द से जल्द मुझे जाने की अनुमति दे, ताकि इस यात्रा से देश का नाम ऊंचा कर सकूं। आपको बता दें, सिंगापुर सरकार ने दिल्ली मॉडल को विश्व स्तरीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए अरविंद केजरीवाल को न्योता भेजा है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने उठाए सवाल, बोले, प्रधानमंत्री क्यों नहीं हुए शामिल? रविवार को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई। बैठक में भाजपा के अलावा कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें 24 नए बिल पेश किए जाने हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते भुखमरी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि लोग भोजन के लिए तरसने लगे हैं। ऐसे में भारत ने पड़ोसी श्रीलंका की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने कहा है कि इस संकट में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने हमारी कई बार मदद की है। आपको बता दें, श्रीलंका फिलहाल गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से गंभीर संकट में है। यहां सरकार आयात के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से खाने का सामान, दवाइयां, रसोई गैस, ईंधन की भारी किल्लत है। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।